हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ। और जैसे आप सभी जानते हैं, तीन वाइल्ड कार्ड लोग ऑलरेडी घर के अंदर आ चुके हैं। तीन बहुत जल्द घर के अंदर आते हुए भी आपको नजर आएंगे। अब किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बिग बॉस ऐसे टुकड़ों में लोगों को भेज रहा है, ये तो वही जाने। पर शो की टीआरपी जहां बहुत ज्यादा लो आ रही है, उसकी वजह से कुछ ऐसे चेहरों को भी भेजा जा रहा है जिनको माना जाए। क्योंकि अगर कविता कौशिक की बात करूं तो हाँ, स्टार्टिंग में उनका नाम बहुत खुल के आया था, पर वाइल्ड कार्ड में वो घर के अंदर जाएंगी ये तो कुछ दिनों पहले ही सुर्खियां बटोर रहा था। क्योंकि उन्हें पता है कि कविता इतनी बड़ी पर्सनालिटी है। एक्चुअली वो जब रिप्रेजेंट होती हैं तो एक बहुत दबंगाइन टाइप लड़की लगती है, जो एक दबंग गर्ल आप उनको कह सकते हैं। जैसे सलमान ने भी स्टेज पे बात कहा कि वो उनके बहुत बड़े फैन हैं, वो उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। अगर पुलिस अगर लेडी किसी को देखते हैं तो उनको देखते हैं। और ये पहली बात नहीं है सलमान ने स्टेज पे कहा, इससे पहले भी जब उनकी दबंग फिल्म आ रही थी तब भी हुई उन्होंने कविता कौशिक के बारे में बात कहा था। अब कविता कौशिक को सीधा घर का कैप्टन चुन लिया गया है, ये तो सही में एक बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि कविता उन लोगों में से नहीं है कि भैया आप मुझे बोल दो और बोल के निकल जाओ, मैं आपको निकलने दूंगी। क्योंकि जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था तभी भी उन्होंने यही बात कहा था कि मैं यहाँ पे किसी से डरने नहीं आई, जो गेम मुझे सही लगी यो मैं खेलूंगी। वैसे भी घर के अंदर कोई खेल नहीं रहा, और ये बात सही भी है। पर कविता, नैना और शार्दुल के आने के बाद गेम सच में बहुत ज्यादा पलटने वाला है। क्योंकि तीनों एक माइंडसेट के साथ आए हैं, तीनों शो को 15 दिन पूरा फॉलो करके आए हैं। उन्हें पता है कि शो में क्या क्या है, किसकी क्या कमजोरी है, किसकी क्या ताकत है, कौन कितना दिख रहा है, कौन कितना फेक है, कौन कितना रियल है, तो इस चीज का वो फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। वहीं घर वाले लोग को बेचारों को ऐसा लग रहा है कि इतने दिन बाद आए हैं तो मतलब इनको गेम तो पता नहीं होगी, ये अभी आके हमें क्या सिखा रहे, तो ये सारी एटीट्यूड तो लोग छोड़ ही दे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कविता जब से कैप्टन बनी है उनका एक एटीट्यूड ही देखने लायक है। क्योंकि वो एक तरह से पवित्रा की क्लास लेते हुए नजर आएंगी शार्दुल की, और साथ में घर वाले लोग की भी। क्योंकि चाहे ड्यूटीज को लेकर बात हो, चाहे बाकी सारी चीजों को लेकर बात हो, बहुत क्लियर कविता नजर आएंगी। कविता ने स्टेज पे ये बात कह दिया कि वो इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर रही थी, पर वो जितना भी फॉलो कर रही थी उन्हें चीज समझ में आ रही थी। क्योंकि और कविता की अगर मैं बात करूं, जिस नजरिए से मैं बिग बॉस देख रही थी, बिल्कुल जितना मैंने उनसे बात किया वो भी मुझे वैसे ही नजर आ रही थी। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि पवित्रा एजाज का जो एक चीज था वो फुल ऑन ड्रामा नजर आ रहा था, फुल ऑन स्क्रिप्टेड नजर आ रहा था कि भैया कोई स्क्रिप्ट चल रही है, आपको दो सीन दे दिया, आप आपस में आगे भी, ये तो एली ने भी भाई पोस्ट करके बोला था। अब उस चीज में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सडनली कब किस कर लेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। मतलब वो अगर आप मूवमेंट देखोगे, या तो मैं एडिट का कमाल कह सकती हूँ, या सच में उन दोनों ने ऐसा किया। मैं झगड़ते झगड़ते शांत निगाहें दोनों की मिल रही है, लिप्स को रिप्रेजेंट कर आप भैया सामने वाले को तो यही लगेगा आप किस करने वाले। बस यही बात कविता ने स्टेज पे भी आके ये बात कह दिया था कि बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि कब किस कर लेते, अगर ये किस कर लेते तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि कुछ अलग कंटेंट देखने हमें मिलता था। क्योंकि अगर मैं ऐसे बात करूं कविता की, तो कविता ने ये भी बात बोला कि ऐसे लग रहा था एजाज और आसिम मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहे हो और उनको कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ पे किसी को कॉपी करने नहीं आए हो, क्योंकि एंड ऑफ द कॉपी कॉपी होता है, और आपकी रियल पर्सनैलिटी होती है। और उन्होंने इंटरव्यू में कविता ने ये भी बात कहा था कि जो सिद्धार्थ शुक्ला है वो अपना किरदार ही बहुत अच्छी तरह निभा सकते, सिद्धार्थ शुक्ला कोई और नहीं बन सकता और आप कुछ और नहीं बन सकते, इस बात को उन्होंने बहुत क्लियर किया था। बस कविता कौशिक के बारे में यही था कि वो जब एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट होंगी, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, उन्होंने जिस हिसाब से इंटरव्यूज में भी ये बात कहा है कि वो घर वाले लोग को उनकी सही चीज दिखा पाएंगे, और वो चाहेंगे कि घर वाले दिखे यार। जहाँ पे उन्होंने एजाज को भी ये बात कहा, उन्होंने बाकी लोगों के बारे में भी बहुत सारी चीजें कही है, पर कहीं ना कहीं एजाज ने एक तरह से कविता के दिमाग में ये बात डाल दिया है कि भैया उनका और रुबीना का बिल्कुल नहीं जमता। पर टास्क बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कविता जब उस संचालक होंगी, कविता घर की कैप्टन बन चुकी है, कितना ज़्यादा रूल्स चेंज होंगे, तंबोली जहाँ काम करने से हमेशा मना करते कविता के राज में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है तीन वाइल्ड कार्ड के लिए, और स्पेशली कविता के लिए, क्योंकि वो घर की न्यू कैप्टन बन चुकी है। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।